एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो इसके अंदर, इस शीट के अंदर मैंने कुछ रिवीजन के लिए कुछ फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं जो ऑलरेडी आपने किए हुए हैं, और एक दो नई चीज़ें भी हैं, और कुछ कॉम्पिटिशन के आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है क्या? सबको पता है डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू की कैलकुलेशन में पी डी वी यूज होता है, डी यू की कैलकुलेशन में एन सी वी यूज होता है, और डी क्यू की कैलकुलेशन में सी पी यूज होता है। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब होता क्या है, मैंने क्यों लिखा कि किसी किसी क्वेश्चन में सीपी की जगह सी यूज किया जाता है। अब इसका कोई लॉजिक है? सीपी और सी में यार अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर क्या सी यूज करें या सीपी यूज करें, कोई फर्क नहीं है? देखो एक फर्क तो है, कई बार सीपी की जगह यहां पर सी यूज किया जाता है। सी यूज करने का मतलब है कि आपका प्रोसेस जब एक्सपैंड, गैस एक्सपैंड या कंप्रेस हो रही है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे नहीं हो रही है। ऑब्वियसली जरूरी थोड़ी है कि प्रेशर कॉन्स्टेंट हो, प्रेशर नहीं कॉन्स्टेंट तो ऐसे केस में यहां पर सीपी नहीं आएगा, अकेला क्या आएगा, सी आएगा, खत्म। पर ये उस कंडीशन पे है जब प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं है। वैसे 99% क्वेश्चन में प्रेशर क्या रखा जाता है, कॉन्स्टेंट मानते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, सारे प्रोसेस में प्रेशर कॉन्स्टेंट मानते हैं, बट कोई कोई ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं होता। और अगर आपको ये पता लग जाए कि प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं है तो ऐसे केस में फिर आप सीपी पुट ना करें, वहां पर सिर्फ सी पुट करें। जैसे अब कैसे पता लगेगा प्रेशर कॉन्स्टेंट है कि नहीं, एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं पोलीट्रोपिक प्रोसेस, ये आखिरी प्रोसेस है पोलीट्रोपिक प्रोसेस। हमने किया आइसोथर्मल, हमने किया एडियाबैटिक, हमने किया आइसोकोरिक, हमने किया आइसोबारिक, चार, और लास्ट हम कर रहे हैं पोलीट्रोपिक प्रोसेस। पोलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? पोलीट्रोपिक इक्वेशन है पी वी रेज टू पावर एक्स इज अ कॉन्स्टेंट। तो आप कहेंगे तो एडियाबैटिक लग रहा है, बिल्कुल नहीं। एडियाबैटिक में एक्स क्या होता है, गामा। अब गामा सीपी बाई सीवी होता है, मोनोटॉमिक डायटॉमिक का फिक्स है, 3/2R 5/2R। पर अगर सपोज करो एक्स की वैल्यू -1 है, अब पीवी रेज टू पावर -1 इज अ कॉन्स्टेंट, तो -1 तो गामा नहीं होता, 1 कोई गामा नहीं होता। या फिर पीवी रेज टू पावर यहां पर पुट कर दूं 7/2 इज अ कॉन्स्टेंट, या 1/3 इज अ कॉन्स्टेंट, 1/4 इज अ कॉन्स्टेंट, तो गामा नहीं है। तो अब ना तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ, ना ही आइसोबारिक हुआ, ना ही आइसोकोरिक हुआ, ना ही ये एडियाबैटिक हुआ। तो फिर क्या हुआ, जब कुछ ना हुआ तो इन जनरल प्रोसेस क्या माना जाता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हुआ। अब ये पॉलीट्रोपिक क्या होता है, पॉलीट्रोपिक कोई भी इक्वेशन है पीवी रेज टू पावर एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, बस एक्स वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स वन हो गया तो फिर तो पीवी इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस क्या हो गया, आइसोथर्मल हो गया। तो सोचो अगर एक्स वन हो गया तो आइसोथर्मल हो गया, अगर एक्स गामा हो गया तो प्रोसेस एडियाबैटिक हो गया, अगर एक्स जीरो हो गया, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, तो पी कॉन्स्टेंट हो गया तो प्रोसेस आइसोबारिक हो गया, और अगर एक्स इंफिनिटी हो गया तो वी की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, मतलब वॉल्यूम इनफाइनाइट है, वॉल्यूम इनफाइनाइट यानी कि कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे केस में प्रोसेस आइसोकोरिक हो गया। और अगर कुछ भी ना हुआ इनमें से, एक्स कुछ भी नई वैल्यू ले गया, तो फिर ये प्रोसेस पॉलीट्रोपिक हो गया। तो अगर तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस आ गए, जैसे वर्क डन निकाल लो आइसोथर्मल का, अपने को फॉर्मूला याद है, एडियाबैटिक का वर्क डन निकाल लो, अपने को फॉर्मूला याद है, पॉलीट्रोपिक का फॉर्मूला वर्क डन का हमने किया नहीं, फिर हमें वो करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में सॉल्व। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पहचान करनी पड़ेगी कौन सा प्रोसेस पॉलीट्रोपिक है, तभी बात बनेगी इसमें। और पहचान तो आपको हो ही गई है कि एक्स की वैल्यू ये ना हो, बाकी जो मर्जी हो, फिर वो पॉलीट्रोपिक हो जाएगा। तो इसके अंदर ये मैंने डिस्कस किया। अब इसके अंदर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, तो इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या है कि पी वी रेज टू पावर एक्स इज अ कॉन्स्टेंट वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, ये मैंने बता दिया। किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है सी, सी के पैर में पी नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं पी डाल दूंगा तो कॉन्स्टेंट प्रेशर का काम हो जाएगा, तो इसमें मैंने पी डाला ही नहीं, तो कहते हैं कि सी है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए सी यूज करते हैं। तो सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स, इसकी इक्वेशन है, इस फॉर्मूले को याद करें। किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जो सी होगा, मोलर हीट कैपेसिटी होगी, वो सी वी प्लस क्या होगा, आर अपॉन वन माइनस एक्स। कोई भी न्यूमेरिकल पॉलीट्रोपिक पे आएगा उसमें ये फॉर्मूला ही यूज होगा, एनसीईआरटी में नहीं है,
कंपटीशन में आएगा, तो यही फॉर्मूला यूज होगा, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे? आपकी सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए प्रूफ है, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, ना प्रूफ की रिक्वायरमेंट है कहीं पर, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा वो तो सीधा सी यूज करवा लेगा, प्रूफ नहीं आएगा। लेकिन प्रूफ हम कर लेते हैं एक बार देखने के लिए, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रूफ में मान लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं अप्लाई करता हूँ, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा टी से दोनों साइड्स को डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, ये जो डेल्टा यू है इसकी वैल्यू में हम क्या यूज कर सकते हैं, एन मोल्स के लिए एन सी वी डी टी, क्योंकि डेल्टा यू में हमेशा क्या यूज किया जाता है, सी वी, तो ये सी वी पुट कर दिया, और डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। अब इसके अंदर ये हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी सॉल्व किया तो क्या बचा, एन सी वी, और यहाँ पर क्या बचा, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। एक काम करते हैं, डेल्टा डब्ल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा डब्ल्यू निकालने का तरीका किसी भी प्रोसेस के लिए, कोई भी प्रोसेस है, प्रोसेस का फॉर्मूला तो सेम ही है, वर्क डन कैसे निकलता है, पी डी वी की इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वी आई टू वी एफ। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस चल रहा है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, पी वी रेज टू पावर एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, यानी कि पी वन वी वन एक्स इज इक्वल टू पी टू वी टू एक्स इज इक्वल टू के। तो यहाँ से पी क्या आएगा, के डिवाइडेड बाई वी की पावर एक्स, ये जब ऊपर जाएगा वी की पावर माइनस एक्स, इस पी को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, ये रहा के बाहर आ गया, वी की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर लिमिट्स पुट की, लिमिट्स पुट करके के से मल्टीप्लाई किया, इसे के से जब मल्टीप्लाई किया तो एक के की जगह पुट किया पी एफ वी एफ एक्स, और एक की जगह पी आई वी आई एक्स, तो एक्स और एक्स, एक्स और एक्स हो गया कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म आ गई। पी वी क्या होता है, एन आर टी, तो ये एफ है तो टी के पैर में एफ, और आई है तो टी के पैर में आई, तो यहाँ से एन आर कॉमन आ गया, तो क्या बचा, टी एफ माइनस टी आई, यानी कि डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी की वैल्यू आ गई एन आर बाई वन माइनस एक्स, तो ये मैंने उठा के यहाँ पे पुट कर दिया एन आर बाई वन माइनस एक्स, एन 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 क्या हो गया, कैंसिल, आंसर। प्रूफ नहीं करना, फॉर्मूला याद रख लो, सफिशियंट है। पर ये फॉर्मूला पॉलीट्रॉपिक के लिए लगेगा, अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं है फिर ये सी नहीं होगा, फिर ये सी पी होगा, हमेशा फिर सी पी होगा, और फिर ये इक्वेशन लगेगी भी नहीं, सच बताऊं फिर सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर की इक्वेशन लगती है उसमें, ठीक है, वो अभी देखेंगे कैसे यूज करना है। तो इस फॉर्मूले को एक बार देखते हैं, आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन पूछा गया है एक, ये मेंस में आया हुआ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को एक बार पढ़ना। देखो प्रॉब्लम ये है कि एन आइडल गैस अंडरगोज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। अब ये हमने फोर्स फ्रिक्शन में भी वर्ड यूज किया था, क्वाजी स्टैटिक का मतलब होता है स्लो प्रोसेस, तो मतलब नाम शब्द भारी है, वर्ड भारी है, अंदर से स्लो प्रोसेस है, है स्लो प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम के लिए यूज करते हैं। तो क्वाजी स्टैटिक स्लो प्रोसेस है जिसमें हीट कैपेसिटी सी कॉन्स्टेंट है, और आपको इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस गिवन है पी वी रेज टू पावर एन इज अ कॉन्स्टेंट। अब मुझे ये पता लग रहा है कि अगर एन वन ना हुआ, कुछ और ना हुआ, तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि एक्स की जगह उसने एन यूज कर लिया, तो साफ ही कह रहा है ये प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक है। चलो नहीं भी पता लगा कोई बात नहीं, कई बंदे सोच सकते हैं कि एडियाबैटिक ना हो, एडियाबैटिक तो हो ही सकता, क्योंकि एडियाबैटिक होता तो गामा यूज कर लेता, तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो आपको चार ऑप्शन गिवन होंगे ऑब्जेक्टिव में कि एन निकाल लो, इसमें से पहला ऑप्शन ये है, और बाकी ऑप्शन भी ऐसे उल्टे सीधे के बनते हैं। अब जब ऑप्शन लोगों ने देखे और जिनको पॉलीट्रॉपिक नहीं पता था, उनके लिए तो सी सिर्फ दो टाइप का है, सीपी और सीवी। अब वो ये सोच रहे हैं कि शायद किसी से गलती हो गई, सीपी भी है सीवी भी है, ये सी अकेला क्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो सीपी होगा या सीवी होगा। लेकिन जिनको पता है कि पॉलीट्रॉपिक है तो उनको पता है कि यहाँ पर सी भी हो सकता है, और क्योंकि वो पॉलीट्रॉपिक जान चुके हैं तो अब उनको ये पता है कि मुझे पॉलीट्रॉपिक का फॉर्मूला ही एक आता है, और वो फॉर्मूला है क्या, वो फॉर्मूला ये फॉर्मूला है, सिंपल है। हमने एक ही तो फॉर्मूला किया सी निकालने का, तो सी निकालने का फॉर्मूला क्या, सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह एन है तो मैंने एक्स की जगह एन पुट कर दिया, क्वेश्चन होगा सॉल्व, एन निकालना है ना, तो करो सॉल्व इसको एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, 1 माइनस एन एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, एन एक तरफ, एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम लिया माइनस कॉमन आया तो सी वी प्लस आर क्या है, सी पी, आंसर आ गया। बस कुछ नहीं करना था,
जिसको ये फॉर्मूला पता था उसने सिर्फ एक्स की जगह एन पुट करना था और एन निकालना था। अब किसको ये पता था, जिसने ये लेक्चर सुन रखा है पॉलीट्रॉपिक का वो तो कर पाएगा, जिसने नहीं सुना उसको तो वो तो लगा रहेगा तब भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो एक तो ये क्वेश्चन, और पॉलीट्रॉपिक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आती, ये भी याद रहे। ऐसा ना सोचना कि पॉलीट्रॉपिक तो कितना आ जाएगा, नहीं आएगा। नॉर्मल प्रोसेस आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको पॉलीट्रॉपिक देखेंगे, वो मैंने नोट किए हुए हैं जो आए हुए हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पॉलीट्रॉपिक का अभी आ जाएगा इसमें आगे, मैंने नोट किया हुआ है, अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं, आगे वो देख लेते हैं। इतने आप ये वाला क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कौन सा डायग्राम गिवन है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम गिवन है। तो ये डायग्राम दे दिया, इस डायग्राम में उसने पी नॉट की वैल्यू दे दी, पी वन की वैल्यू दे दी, तो ऑब्वियसली पी टू की वैल्यू भी दे दी, पी थ्री और पी फोर की वैल्यू भी दे दी, सारे प्रेशर दे दिए। फिर आपको यहां से वी टू माइनस वी वन वॉल्यूम का डिफरेंस भी दे दिया 10 लीटर। आपको सिंपल क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। लोग खुश हो गए, इसमें करना क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, एरिया ही तो निकालना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो एरिया निकालते हैं। तो क्या होगा इसका वर्क डन, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, एरिया ऑफ अपर ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ लोअर ट्राइंगल। जो लोअर ट्राइंगल है इसमें प्रोसेस क्लॉकवाइज है, तो एरिया क्या होगा पॉजिटिव, वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव, और इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, इसका वर्क डन माइनस इसका वर्क डन। सही हो गया, तो बनता है क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट? तो फटाफट एरिया निकालते हैं। तो नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है वी टू माइनस वी वन, और हाइट क्या है पी नॉट माइनस पी वन, पी नॉट माइनस पी वन, ये रहा। सही हो गया। और अपर ट्राइंगल में हाफ बेस क्या है वी फोर माइनस वी थ्री, और हाइट क्या है पी नॉट पी फोर या पी थ्री माइनस पी नॉट, पी थ्री माइनस पी नॉट। ठीक हो गया यहां तक? तो माइनस में ये प्लस में, मेरे को क्वेश्चन में वी टू माइनस वी वन गिवन था 10 लीटर मीटर क्यूब में पुट कर लेंगे, मेरे को प्रेशर सारे गिवन है वैल्यू पुट कर लेंगे, मेरे को प्रेशर सारे गिवन है वैल्यू पुट कर देंगे, पर एक प्रॉब्लम है मेरे को वी फोर माइनस वी थ्री गिवन ही नहीं। अब एक मिनट तो लोगों ने लगाया कि भाई क्वेश्चन तो ट्राई करना है, एरिया तो यही नहीं होगा तो आगे कैसे चलेगा, सबसे आसान क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, आपको डिस्टेंस नहीं पता तो इसके लिए मैथ लगाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी क्या कहती है, ये तो सिमिलर ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल का बेस डिवाइडेड बाई इस ट्राइंगल का बेस, इस ट्राइंगल की हाइट डिवाइडेड बाई इस ट्राइंगल की हाइट, तो यानी कि वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू वी फोर माइनस वी थ्री डिवाइडेड बाई पी फोर माइनस पी नॉट। ये आपने सिमिलैरिटी लगा दी, सिमिलैरिटी में ये गिवन है, ये गिवन है, गिवन गिवन गिवन, तो आपके पास क्या आ जाएगा वी फोर माइनस वी थ्री, वो यहां पुट करके फिर वर्क डन आएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है इसमें। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पीवी डायग्राम में क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो एक काम करते हैं, इसमें पहले ए बी का वर्क डन निकालते हैं। ए बी का वर्क डन क्या होगा, एरिया इस रेक्टेंगल का, ये या जो भी बना ये वर्क डन, तो इसका एरिया निकलेगा, इसका वर्क डन आ गया। ये वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कंप्रेशन, कंप्रेशन। फिर इसका वर्क डन क्या, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका वर्क डन क्या, ये पूरे का पूरा एरिया, पूरे का पूरा एरिया सीडी का, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपेंशन है, राइट, एक्सपेंशन है। तो इसके अंदर नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, सारों को ऐड कर दें, तो यानी कि इस पूरे का एरिया में से इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस। आंसर तो मेथड समझ में आ गया कि कैसे नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा। तो पीवी डायग्राम कैसे आ सकते हैं, समझ में आ रहा है यहाँ तक? वो आपको डायग्राम ही ऐसा देगा कि कुछ वर्क डन पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव वर्क डन को माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, पीवी डायग्राम
क्या करता है हमें पता है, पीवी डायग्राम एक्सपेंशन कंप्रेशन बताता है, और एरिया अंडर पीवी डायग्राम एरिया वर्क डन बताता है। साइक्लिक प्रोसेस हमें पता है डी यू जीरो, रिवीजन शीट है ना तो रिवीजन के हिसाब से चली हुई है, तो डी यू इज इक्वल टू जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में डी यू इज इक्वल टू जीरो, आइसोथर्मल की इक्वेशन पता है, आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला भी पता है। तो ये मेन्स वालों के लिए बनी थी, नीट वालों के लिए, ताकि सिर्फ ये शीट से आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सके, सारी थ्योरी भी लिखी हुई है इसमें। ऐसे एडियाबैटिक में डी क्यू क्या जीरो, एडियाबैटिक की इक्वेशन पता है, एडियाबैटिक के वर्क डन पता है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल गामा, और स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। इस क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें गिवन डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस का सी वी गिवन, इनिशियली वॉल्यूम वी आई पी आई है गैस का, और ये गिवन है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब ये कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें पी वी कॉन्स्टेंट तो सुना पर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नहीं सुना। तो आरएमएस स्पीड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम डबल, तो वो कह रहे हैं कि ये प्रोसेस के अंदर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डबल हो जाती है। अब ये केटीजी बीच में कैसे आ गया, आया नहीं है एक्चुअल में। वो ये कहना चाहता है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ना, वो टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आरएमएस को डबल किया तो पक्की बात है टेम्परेचर कितने टाइम किया होगा, फोर टाइम्स, क्योंकि फोर का अंडर रूट टू होता है। तो ये एक्चुअल में इनडायरेक्टली टेम्परेचर का रिलेशन बता रहा है, आरएमएस का कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन में। तो ये बताना चाह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो फोर टाइम्स हो गया इस प्रोसेस में, ये रूल समझ में आ गया। तो कह रहा है कि आपको ये बताओ कि जब टेम्परेचर फोर टाइम्स हो गया इस प्रोसेस में तो हीट कितनी आपने सप्लाई की ये बता दो। अब पता तो लगे यार, हीट सप्लाई तो बाद में निकालनी है, प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक पता ही नहीं, कोई बात नहीं। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, पी सम कॉन्स्टेंट इन टू वी, वी नीचे आ गया, वी ऊपर गया, तो पी वी रेज टू पावर माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट। अब ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं हमें आती, तो जब नहीं आती तो फिर क्या होती है, पोलिट्रोपिक है। तो ये पहचान है, ऐसे उल्टी सीधी बातें करेगा वो, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, बस नाम नहीं लेगा कि ये पोलिट्रोपिक है। पता लग गया पोलिट्रोपिक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस वन। तो आपको क्या निकालना है, हीट निकालनी है। तो हीट का फॉर्मूला डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना, वैसे हम हीट लेते हैं एन सी वी डी सी पी डी टी, और यहां पर पोलिट्रोपिक है तो सी पी यूज नहीं करेंगे, अकेला सी यूज करेंगे। तो अकेला सी यूज करेंगे, अकेला सी यूज करेंगे, तो सी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, और एक्स इस केस में कितना है, माइनस वन, और सी वी कितना है, फाइव बाय टू आर। सॉल्व करके क्या आ गया, सी। इस सी को यहां पुट कर दिया, तो इस सी को यहां पुट किया तो आपके पास टेम्परेचर 40 माइनस टी, क्योंकि टेम्परेचर फोर टाइम्स हो गया, तो ये टर्म आ गई। पर आपको जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन नहीं, वो पी और वी की फॉर्म में गिवन है। तो आप एनआरटी को क्या लिख सकते हो, पी आई वी आई, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव आया हुआ है पोलिट्रोपिक पे, बहुत ज्यादा नहीं आए, ये दो मैंने नोट किए हुए हैं, हो सकता है एक और भी आया हो, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से पोलिट्रोपिक में एक ही फॉर्मूला काम आएगा, और वो सी का फॉर्मूला है, ठीक है यहां तक। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन,